प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर को प्रस्तावित केदारनाथ दौरे से कांग्रेस बेचैन सा नजर आ रहा है। मोदी के दौरे के दौरान बीजेपी के ज्योतिर्लिंगों पर भी जलाभिषेक कार्यक्रम को 2022 के चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है और कांग्रेस अब जवाबी रणनीति के साथ मैदान में आ गई है और कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी सभी जिलों में 12 प्रमुख शिवालयों में भजन कीर्तन का कार्यक्रम तय किया है। मोदी लहर का पिछले चुनाव में असर देख चुकी कांग्रेस अब फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कभी सार्वजनिक रूप से धार्मिक कार्यक्रमों से गुजर करने वाली कांग्रेस अब बीजेपी की राह पर चलने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सावन हो या नवरात्र या अन्य हिंदू धार्मिक पर्वों पर मंदिरों का रुख किया जा रहा है और उनकी देखा रेखी अब प्रदेश में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मंदिरों में दर्शन तो कर रही है और इसे सार्वजनिक कार्यक्रम के तौर पर भी पेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दीपावली के तुरंत बाद 5 नवंबर को केदारनाथ दौरे को बीजेपी मेगा धार्मिक इवेंट बनाने जा रही है। देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही शिवालयों की इसी दिन जलाभिषेक का कार्यक्रम भी रखा गया है और मोदी और बीजेपी के इस कदम से राज्य के प्रमुख प्रतिपक्षी दल में हलचल सी मच गई है। मोदी का दौरा तय होते ही प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत ने केदारनाथ धाम की राह पकड़ने में देर नहीं लगाई है। उन्होंने बाबा केदार से मुख्यमंत्री बनाने का आशीर्वाद भी ले लिया है। पुलिस महकमे के द्वारा त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। त्योहार के मद्देनजर शहर और बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ रही है। शहर में अप्रिय घटना और टप्पेबाजी छीना झपटी और इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती भी की जा रही है। साथ ही शहर की निगरानी के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और सादे वर्दी में पुलिस फोर्स की भी तैनाती की जा रही है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन बस स्टेशन की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाहर से आने वाले यात्रियों की चेकिंग भी की जा रही है। वहीं डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। नैनीताल एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी ने भी कहा है कि हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा शहर है। दीपावली और धनतेरस के मद्देनजर बाजारों में अभी से लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। ऐसे में जहां शहर में आने वाले छोटे बड़े वाहनों के लिए रूट प्लान तैयार किए गए हैं और जिनके आधार पर शहर के वाहनों को संचालन किया जाएगा। इसके अलावा बाजारों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। सादी वर्दी में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं पूरे शहर के सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। कुछ जगहों पर निगरानी के लिए अतिरिक्त सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और इसके साथ ही जिससे सीसीटीवी के असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जाएगी। और एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी थानों चौकियों के पुलिस जवानों को बाजारों में हमेशा तैनात रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके अलावा पीएसी की एक बटालियन को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। ऐसे में त्योहार के मद्देनजर दुकानों दारों और निर्देशित किया गया है कि सामान को फुटपाथ पर ना लगाएं और वरना चालान भी उनका कट सकता है। ये भी निर्देश दिए गए हैं।